हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज अपन बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये करीब 500 ग्राम 600 ग्राम गाजर है, इसको मैंने धो लिए। अब अपन छील लेते हैं। सर्दियां हैं, गाजर बहुत अच्छी आ रही है, तो गाजर का हलवा बनाने का बनता है। इस बार के सीजन का मैं तो फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, पर बहुत अच्छा बनने वाला है। आप मेरी रेसिपी को जरूर देखें एक बार। इस गाजर को छीलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। छील लेते हैं तो सारी गंदगी भी निकल जाती, धोने से जो रह जाती है वो छीलने के बाद पूरी निकल जाती है। ये छील लिया है, एक और बची है। ये करीब आधा किलो, थोड़ी सी ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। ये हो गई अपनी गाजर के, लास्ट गाजर भी अपनी छील गई है। मुश्किल से एक मिनट या दो मिनट ही लगे होंगे छीलने में। अब इनके अपन आगे और पीछे के मुंह काट लेते हैं, जिसे थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी तो पूरी हट जाएगी। मिट्टी, गंदगी, क्या मिट्टी वगैरह रहती है गाजर में, ये हट जाएगी। ये है, अब इसको मैं पीस लेती हूँ। किसने की सहायता से, है ना। ये अपन ने गाजर अपनी घीस ली है। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने रख दी है। अब इसमें अपन डाल रहे हैं एक चम्मच घी। और उसमें अपन अपनी गाजर को अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं, तो इससे इसका टेस्ट एकदम खुल के आएगा। और इधर गैस पे मैंने दूसरे गैस पे मैंने ये दूध रख दिया है, करीब 300 ग्राम में। ये उबल रहा है, उबलता जाएगा रबड़ी के रूप में, तो फिर इधर डाल देंगे अपन। अपन हिलाते हैं, तेज कर रही हूँ मैं पूरी तरह से, तो फटाफट हो जाएगा। ये दूध बिल्कुल घोल के अच्छा रबड़ी जैसा हो जाएगा, इसलिए दोनों गैस पे काम चल रहे हैं। इधर मैंने 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम, इनको भी काट लिया है। दूध को भी तेज आंच पे रख रखा है, ये फटाफट हो जाएगा। और इसको जब तक अपन थोड़ा सा सेक लेते हैं, इसको तेज आंच पे सेक रही हूँ मैं। आप इस तरीके से बनाना, कुकर में भी बनता है, पर कुकर में वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो इसमें आएगा। बन जरूर जल्दी जाएगा, बाकी टेस्ट ये पूरा प्रॉपर सीख के बहुत टेस्टी बनेगा। इसको करीब 2 से 3 मिनट अपन घी में भून लेते गाजर को।
देखो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है। ये सॉफ्ट हो गई है, अब ये वाला दूध अब अपन इसमें डाल देते हैं। इस दूध के बाद इसको अपन पकने देते हैं। इसी में मैं अभी ड्राई फ्रूट भी डाल दे रही हूँ जो अच्छे से घुल जाएंगे, इसमें थोड़े से पक्के पक्के हो जाएंगे। अब इसको अपन तेज आंच पे करते हैं, आंच थोड़ी सी तेज है और मैं पास में ही खड़ी हूँ, चलाते हैं। इसमें मेरा ये मावा भी घर का बना हुआ है, ये डाल रही हूँ मैं 100 से 150 ग्राम, साथ में होता जाएगा। करीब 100 ग्राम ही डाला है मैंने, क्योंकि मैंने दूध भी अच्छा गाढ़ा गाढ़ा डाला है ना। इसको अपन पकने देते हैं। मावा अगर बना के रख दो तो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, मैंने ये कल ही बना लिया था इसलिए इसके साथ में डाल दिया, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसको पकने देते हैं अपन अभी। अब इसमें दूध पूरा एब्जॉर्ब हो गया, घुट गया, मावा बन गया है। अब इसमें अपन शक्कर डालते हैं। इसमें शक्कर कम ही जाएगी तो मैं 1, 2, 3 चाय वाले चम्मच भर की शक्कर डाल रही हूँ, ज़्यादा शक्कर नहीं जाएगी इसमें, क्योंकि गाजर भी मीठी है, मावा में भी हल्का मिठास रहता है। ये अपन डाल रहे हैं तीन से चार इलायची का पाउडर, मैंने अच्छा कूट लिया था इसमें। शक्कर मेल्ट होते ही अपना गाजर का हलवा बिल्कुल बन गया है। पूरा घी भी छोड़ने लग गया है, ये शक्कर मेल्ट हो गई है। और अब इसको अपन खाली कर लेते हैं, ये इसको बंद करते हैं और अब इसको मैं इस बाउल में खाली कर लेती हूँ। सुपर टेस्टी, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बन के तैयार है। प्लीज़ मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बना के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। थैंक यू।